मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मन्नूपुरा निवासी दीवान सिंह पत्नी प्रभा सिंह की पहली डिलीवरी हुई थी, जिसमें उसे शुरुआत में ही 1400 रुपये का लाभ दिया जाता है। वह भी नहीं मिला एवं सरकार से संबल योजना कार्ड धारियों के लिए 16000 की राशि दी जाती है। प्रसूति सहायता राशि आवेदक के द्वारा 4 बार कागज जमा करने के बाद भी नहीं मिली। उल्टा संविदा कर्मचारी सुनील रघुवंशी ने दी आवेदक को FIR करने की धमकी। एक दर्जन से अधिक शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि कई सालों से तो कई महीनों से कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर हमारे परिवार में हुई डिलीवरी का भुगतान नहीं हो पा रहा। दूसरा केस ग्राम पंचायत कांजेला के आवेदक का है। सुनील कुशवाहा ने बताया कि 3 माह से मैं भी अपने 16000 की राशि के लिए 4 बार चक्कर लगा चुका, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इस प्रकार से संविदा कर्मचारी सुनील रघुवंशी के द्वारा आवेदकों को भटकाया जा रहा है और उनकी राशि डालने में आनाकानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भुगतान ना करने का इरादा इस ओर इशारा कर रहा है कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं किया जाता। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। नहीं तो अधिकारी से इस प्रकार से आप बात कर सकते हो, समझाओ ना क्या परेशानी है, उसे क्या पता है, आप उसने कुछ कहा ही नहीं। उसमें गुमराह का उसमें डाला तुमने, मैंने कोई गुमराह नहीं किया, आप गुमराह करते हो। क्या गुमराह कर दिया, 6 महीने हो गए, पहली डिलीवरी पैसा क्यों नहीं मिला उसको? मेरे पास उनका खुद का लिखा हुआ 2018 डिलीवरी लिख रहे हैं। अरे वो निकलवाया आप उनको नहीं आता, आप सुधरवाना, मेरे पास जब आएंगे जब तो सुधरवाऊंगा। उनसे कितनी बार आ चुके हम? 4 बार दे चुके अच्छा ये 8 दिन में करवा दो आप, नहीं 8 दिन बाद 2 दिन में हो जाए। नहीं ये नहीं, वो 36 कितना है, 16 है, 16 वाला कितना वाला था हमने तो योजना के, अरे योजना की हमसे अगर कह रहे थे जी तो आपके पास गलत है, हम परेशान हो गए काम जैसे कोई काम आपने गलत लिख के दिया ना साहब, आपके साइन है कौन सा फॉर्म मुझे बताना था ना, अगर साइन कर रहे हो आपको भी बना दे मैंने नहीं करे मेरे पास तुम एक बार बताओ जी कार्ड कौन बटा मैडम की गलती है, मैडम की गलती है, मेरे पास प्रकरण ही नहीं आया ना, मेरे पास आ रहा है 2018 लिख के आ रहा है ना डेट, कैसे पास हो जाएगा वो एक अकेले ये की कार्ड था। मैंने बताया ना रिजेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ था आवेदन, अरे जहाँ पे फॉर्म जमा किया था 2-3 बार फिर भी चुके, मगर कोई जानकारी नहीं मिल रही। आपने आप जो डिलीवरी हुई थी उसकी पैसों के लिए आवेदन करने आए थे, कितनी बार जमा कर चुके कागज? कागज थे कई बार कर दिया, मगर 2-3 बार हम चक्कर लग गया 2-3 बार। उनका क्या कहना है जो पैसे यहाँ पर डालते? कुछ कहते ही नहीं, कुछ नहीं कहते, जानकारी नहीं बताते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।